सारी चीजें बात यहाँ पे आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे नहीं, मैं वो बड़ी खुशी है, मेरे को राज जी ने पर्सनली इनवाइट किया था। मैं उनका राइटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड कॉमेडी लिखना इतना मुश्किल होता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। एंड ये जो सक्सेस है, इट्स अ डबल सक्सेस, इट्स अ 100 करोड़ सक्सेस एज वेल एज अ बर्थडे बैश। ऐसा किरदार आपको मिला तो मुझे एक्चुअली दोनों पिक्चर में करते रहते हैं, मुझे दोनों मूवीज में कुछ ऑफर हुआ था मैंने, लेकिन कास्टिंग में बोला था कि कुछ और अगर बेटर होगा तो जरूर करूंगा, बट राज जी के साथ काम करना एज अ ड्रीम एंड बहुत बढ़िया लिखते हैं वन डे में भी। जिस तरीके से आपने कहा कि बेटर होना चाहिए, किस तरीके की अपॉर्चुनिटी का वेट करें आशीष जी, हम और सारी ऑडियंस भी जानना चाहते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से ना अपॉर्चुनिटी वही कि मतलब एकदम स्क्रिप्ट बहुत फाड़ू, इसकी भी बहुत अच्छी थी जो मुझे ऑफर किया गया था, मुझे एक बहुत ऐसा बिट्स एंड पीसेस में मालूम था, मुझे आइडिया नहीं था, तो मेरे को ये भी नहीं मालूम था फर्स्ट के टाइम कि राज जी डायरेक्ट कर रहे हैं। एनी वेज अगर स्क्रिप्ट में दम हो, जैसे ये पिक्चर थी बहुत बढ़िया मूवी थी, बहुत अच्छे हर कलाकार का काम बहुत बढ़िया था, सबकी एक्टिंग बढ़िया थी, प्रॉपरली प्लेस था, डायरेक्शन स्ट्रांग था, तो ऐसी पिक्चर ड्रीम गर्ल टू जैसी। आशीष भाई, आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या क्या हमें देखने मिलेंगे? सर अभी तो मैं यूट्यूब पे ही काम कर रहा हूँ, फिर एक शो पे काम कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऑफर्स हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें बात नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मेरे को बिग बॉस में बिल्कुल भी नहीं, एलविश और अभिषेक ने जमा दिया, एलविश और अभिषेक ने जमा दिया बहुत, हम पूरे यूट्यूबर्स का वो करके है पूरा काम, सबकी तरफ से आपको पूरी कम्युनिटी। सर अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई भी किरदार, सर चालू कॉमेडी से करना है, मेरी जो यूट्यूब की ऑडियंस है वो कॉमेडी के थ्रू जाती है, उसके बाद मे बी आई कैन डू वॉट एवर आई लाइक। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, होप जल्दी कुछ आपका नया आएगा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा कलर विजुअल मान आशीष भाई कंटेस्ट पे ध्यान दे रहे अभी। आशीष भाई कैमरा लो, गाइस थैंक यू, थैंक यू।